21 जून को जब मैं शीर्षासन कर रही थी अमृतसर गोल्डन टेंपल में, वहां पे हजारों सिख लोग खड़े थे। ठीक है, सबने देखा मैंने किया, जिसने फोटो खींचा वो भी एक सरदार जी थे, वो तो मेरे से पहले भी बहुत सारे फोटो खींच रहे थे, और जो सेवादार वहां पे खड़े थे उन्होंने उसको भी नहीं रोका था। तो वो सेवादार भी बायस्ड ही है, वो कभी किसी को रोकते हैं कभी किसी को नहीं रोकते, इसलिए मैंने सोचा मैं भी एक फोटो खींच लेती हूँ, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। तो जब मैं कर रही थी तब लाइव जितने लोगों थे वहां पे खड़े थे उनके सेंटिमेंट्स को तो हर्ट नहीं हुआ, तो मेरे को नहीं लगा मैंने कुछ गलत किया है। पर सात समुंदर पार किसी को लगा कि भाई इन्होंने गलत किया, उसने मेरा फोटो वायरल कर दिया नेगेटिव वे से, और लोगों को फिर वो पूरा वाइल्ड किया, उस पे उन्होंने एसजीपीसी ऑफिशियल ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दी बेसलेस, तो ये और बुरा हो गया। वरना मेरा इंटेंट खराब नहीं था। ओके, आप सीसीटीवी कैमरा का पूरा फुटेज पब्लिक कर दीजिए, आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। मुझे बताइए कि वहां पे कोई कहीं पे लिखा नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपके लोकल सिख कम्युनिटी को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता जो रोज गुरुद्वारा आते हैं, तो मैं एक हिंदू लड़की जो गुजरात से पहली बार पंजाब आई है उसको कैसे पता चलेगा? वहां पे किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं बोला, बोलते तो मैं डिलीट कर देती फोटो, मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मेरे अगेंस्ट ये फालतू के एफआईआर करने की जरूरत क्या थी? इतना सारा मेंटल टॉर्चर हरेसमेंट मेरे को हुआ उसका क्या? अभी भी टाइम है, आप एफआईआर वापस ले लीजिए, वरना मैं और मेरी लीगल टीम फाइट करने के लिए रेडी है। 21 जून को जब मैं शीर्षासन कर रही थी अमृतसर गोल्डन टेंपल में, वहां पे हजारों सिख लोग खड़े थे। ओके, सबने देखा मैंने किया, जिसने फोटो खींचा वो भी एक सरदार जी थे, वो तो मेरे से पहले भी बहुत सारे फोटो खींच रहे थे, और जो सेवादार वहां पे खड़े थे उन्होंने उसको भी नहीं रोका था। तो वो सेवादार भी बायस्ड ही है, वो कभी किसी को रोकते हैं कभी किसी को नहीं रोकते, इसलिए मैंने सोचा मैं भी एक फोटो खींच लेती हूँ, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। तो जब मैं कर रही थी तब लाइव जितने लोगों थे वहां पे खड़े थे उनके सेंटिमेंट्स को तो हर्ट नहीं हुआ, तो मेरे को नहीं लगा मैंने कुछ गलत किया है। पर सात समुंदर पार किसी को लगा कि भाई इन्होंने गलत किया, उसने मेरा फोटो वायरल कर दिया नेगेटिव वे से, और लोगों को फिर वो पूरा वाइल्ड किया, उस पे उन्होंने एसजीपीसी ऑफिशियल ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दी बेसलेस, तो ये और बुरा हो गया। वरना मेरा इंटेंट खराब नहीं था। ओके, आप सीसीटीवी कैमरा का पूरा फुटेज पब्लिक कर दीजिए, आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। मुझे बताइए कि वहां पे कोई कहीं पे लिखा नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपके लोकल सिख कम्युनिटी को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता जो रोज गुरुद्वारा आते हैं, तो मैं एक हिंदू लड़की जो गुजरात से पहली बार पंजाब आई है उसको कैसे पता चलेगा? वहां पे किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं बोला, बोलते तो मैं डिलीट कर देती फोटो, मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मेरे अगेंस्ट ये फालतू के एफआईआर करने की जरूरत क्या थी? इतना सारा मेंटल टॉर्चर हरेसमेंट मेरे को हुआ उसका क्या? अभी भी टाइम है, आप एफआईआर वापस ले लीजिए, वरना मैं और मेरी लीगल टीम फाइट करने के लिए रेडी है। 21 जून को जब मैं शीर्षासन कर रही थी अमृतसर गोल्डन टेंपल में, वहां पे हजारों सिख लोग खड़े थे। ओके, सबने देखा मैंने किया, जिसने फोटो खींचा वो भी एक सरदार जी थे, वो तो मेरे से पहले भी बहुत सारे फोटो खींच रहे थे, और जो सेवादार वहां पे खड़े थे उन्होंने उसको भी नहीं रोका था। तो वो सेवादार भी बायस्ड ही है, वो कभी किसी को रोकते हैं कभी किसी को नहीं रोकते, इसलिए मैंने सोचा मैं भी एक फोटो खींच लेती हूँ, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। तो जब मैं कर रही थी तब लाइव जितने लोगों थे वहां पे खड़े थे उनके सेंटिमेंट्स को तो हर्ट नहीं हुआ, तो मेरे को नहीं लगा मैंने कुछ गलत किया है। पर सात समुंदर पार किसी को लगा कि भाई इन्होंने गलत किया, उसने मेरा फोटो वायरल कर दिया नेगेटिव वे से, और लोगों को फिर वो पूरा वाइल्ड किया, उस पे उन्होंने एसजीपीसी ऑफिशियल ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दी बेसलेस, तो ये और बुरा हो गया। वरना मेरा इंटेंट खराब नहीं था। ओके, आप सीसीटीवी कैमरा का पूरा फुटेज पब्लिक कर दीजिए, आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। मुझे बताइए कि वहां पे कोई कहीं पे लिखा नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपके लोकल सिख कम्युनिटी को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता जो रोज गुरुद्वारा आते हैं, तो मैं एक हिंदू लड़की जो गुजरात से पहली बार पंजाब आई है उसको कैसे पता चलेगा? वहां पे किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं बोला, बोलते तो मैं डिलीट कर देती फोटो, मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मेरे अगेंस्ट ये फालतू के एफआईआर करने की जरूरत क्या थी? इतना सारा मेंटल टॉर्चर हरेसमेंट मेरे को हुआ उसका क्या? अभी भी टाइम है, आप एफआईआर वापस ले लीजिए, वरना मैं और मेरी लीगल टीम फाइट करने के लिए रेडी है।